असी इस टाइम अटल टर्नल दे बिल्कुल अंदर एंट्री करन लगे हैं। तुसी बाहर दा व्यू देख सकते हो, बड़ा ही सोहना व्यू है, तो बिल्कुल ही न्यू डिजाइन दे विच दिता गया है। तुसी अंदर दे पूरा ही टर्नल देख सकते हो, अंदर हो तो बड़ा ही सोहना टर्नल बनाया गया। तो इत्थां इदा महसूस नहीं हुंदा कि टर्नल यह इंडिया का होगा, इदा लगता जिदा फॉरन का टर्नल होना। जो स्पीड लिमिट दिती गई है 40 की है, अगे 60 की भी हो जाती है। तो थोनों इस तो अगे हूँ असी बाहर निकल रहे हैं टर्नल तो, थोनों टर्नल के दूसरी साइड का लाहौल स्पीति वाली जो साइड है उस साइड का भी व्यू दिखावे। तो हूँ असी बाहर निकल चुके हैं, तो लाहौल स्पीति बिल्कुल ही अलग व्यू आ। तरफ दिया वादिया देख सकते हो, पहाड़ का भी बिल्कुल अलग व्यू आ। तो असी गड्डी साइड से पार्किंग ते ला दें, तो सानू ये दूसरी साइड जो टर्नल आ अटल टर्नल रोहतांग, यदा दूजी साइड का व्यू आ। तो सानू पूरा ही व्यू दिखाने, तो दूसरी साइड नदी चल रही है। ये नदी का पानी बड़ा ही ठंडा, इत्थे मौसम गर्मियों के हर टाइम ही फुल वधिया ठंड रहती है। तो जो ये रोड है लद्दाख तरफ जा रहा, तो ये वाला रोड है जो स्पीति काजा वाया शिमला निकल जाता है। हुण असी जा रहे हैं इस टाइम स्पीति वैली, ये इत्थे बड़ा ही ये कुछ तो रोड नवा ही है तकरीबन। तो जो तुम ये रोड तो थले उतर जाओगे स्पीति वाला रोड, तो वो हालत बड़ी खराब है। अगे सू दिखाने स्पीति का रोड, खूबसूरत वादिया के स्पीति वैली वाल जाते हुए तो बड़ा ही आनंद आ रहा है। सुहाना मौसम है, तो वादिया के जी लग जाता इतने जाके, वापस आने दिल ही नहीं करता। तो ये वाला जो ब्रिज है, ये वाला ब्रिज तकरीबन लाहौल से तरफ एक ही बचे है, एक ही ब्रिज है। ये पहले तो काफ़ी होंगे सी, हूँ टोटली न्यू बनाते बड़े ब्रिज। ये पुराना ब्रिज है, ये सोनू एक दो ही देखने मिलेंगे जो तुम लद्दाख तरफ जाओगे या स्पीति तरफ। तो पुल का जो ब्रिज है बड़ा ही सोहना व्यू है। नीचे की तरफ है जो लोहे दी चादर ने, काफ़ी पुराना ब्रिज है। इतों की गड्डी भी तकती है, तो तड़ 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 तो आवाज आती है। चलो जी पूरा ही ब्रिज दिखा दें, सोनू बड़ा ही सोहना व्यू है। तो सोनू ये तकरीबन मनाली तो लैके स्पीति तक नैटवर्क भी नहीं आता, स्पीति जाके ही नैटवर्क आता फोन का। जब असं पहला जाते होंगे बहुत घट नैटवर्क होंगे, उदो तो सिर्फ BSNL ही नैटवर्क होंगे स्पीति के। हूँ तकरीबन काफ़ी नैटवर्क ने, जियो वगैरह तुम ले आ सकते। तो जो 120-130 किलोमीटर का रोड है, बिल्कुल ही इदा का रोड है, ऑफ रोड तो पत्थर का रोड है। तो एक कोशिश करो कि कदे भी छोटी गड्डी ना लेके जायो, क्योंकि छोटी गड्डी का बैंपर वगैरह थले लग जाता जिद न टुट जाता। रोड तो वैसे नज़ारा तो यही लैन जाने कि ऑफ रोड का इदा का रोड है। ठंड होंगी है, गड्डी थोड़ी चलूगी तकरीबन 10-15-30 के मैक्सीम 30 स्पीड, तो 15-30 के बीच जाऊगी, कद 10 से भी आ सकती है। तो तुम वादिया का नज़ारा लेंदे लेंदे स्पीति में वादे हुए, बिल्कुल ही इदा ही रोड आऊगा सारा जो आऊगा 120-130 किलोमीटर। तो तुम अगर मनाली तो सुबह चलोगे 10 के तकरीबन 10 बजे, तो तुम शाम तक पहुँच जाओगे स्पीति वैली। राह प्लेस घूमते हुए शाम तक स्पीति वैली पहुँच जाओगे।